गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं वेस्टेज अक्षता सावे पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे, तो उस वक्त जो ख्वाहिशें होती थी वो सारी पूरी हो जाती थी। पर बाद में पापा की नौकरी छूट गई और उसके बाद हमारी जो ख्वाहिशें होती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, तो हमने उसके बाद पुणे शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया। पर उस वक्त पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो स्ट्रगलिंग पीरियड चालू हो गया। हम पतरे के घर में रहने लगे और ऊपर से वो छत पे पतरा था, तो इस वक्त पापा ने अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया, मम्मी ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। इस बीच मुझे और मेरे भाई को देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। ये बात थोड़ी चुभती थी मन में। और जो पापा अलग अलग काम करते थे, उस वक्त लोग हमारी तरफ जिस नज़रिए से देखते थे वो नज़रिया मुझे पसंद नहीं आता था, वो बात मन में चुभती थी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे कुछ तो करना है, कुछ तो खुद को प्रूव करके दिखाना है, पर कैसे करना था वो पता नहीं था। उसके बाद दादाजी को अचानक से कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डॉक्टर जी ने कहा कि अभी वो बचेंगे कि नहीं पता नहीं, उनकी कीमोथेरेपी वो सह पाएंगे कि नहीं पता नहीं। पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हमारे जो अपलाइन है उन्होंने हमें कुछ फूड सप्लीमेंट सजेस्ट किए और फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करने के बाद हमें तो विश्वास नहीं था स्टार्टिंग में, पर फिर भी हमने उन्हें देना स्टार्ट कर दिया। तो उनका इतना मिरेकल रिजल्ट मिला कि थैंक्स टू वेस्टेज मेरे दादाजी आज जिंदा है। जो केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें सारे बाल झड़ जाते हैं, पर एट द एज ऑफ 70 उनके बाल बिल्कुल नहीं झड़े थे और जो बॉडी पेन होता है वो भी बहुत कम था। तब हमें वेस्टेज के रिजल्ट पता चले और पावर ऑफ फूड सप्लीमेंट पता चले। इसके बाद पापा ने यही काम चालू रखा और वेस्टेज में हमारी एंट्री हो गई। बाद में मैं भी पापा के साथ मीटिंग में जाना स्टार्ट कर दिया और मैंने अगर बाहर का कंपेयर किया अंदर के साथ मीटिंग के साथ, तो मुझे समझ में आता है कि अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो बाहर नहीं मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट रहती है जो बाहर नहीं मिलती है। तो मैंने वहाँ पे तय कर लिया कि अभी तो वेस्टेज ही करना है। इसके बाद मैंने वेस्टेज को तय कर लिया, पर मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज करते करते मैंने वेस्टेज स्टार्ट किया। तो उस वक्त मेरे जो फ्रेंड्स थे वो घूमने जाते थे तो मुझे कहते थे हम तो घूमने जा रहे हैं, अभी तुम तो मीटिंग में जा रही हो, ऐसे मुझे चिढ़ाने लगे। ये बात मुझे थोड़ी चुभती थी, पर अगर मैं मेरी पिछली लाइफ कंपेयर करूँ आज के लाइफ के साथ, तो मेरी लाइफ आज की बहुत बढ़िया है। मेरे मम्मी पापा को भी पूरी रिस्पेक्ट मिलती है और उन्होंने भी आज सक्सेस पा ली। जैसे कि आज उनका इनकम, जो सोचते थे कि मेरा इनकम 15,000 आ जाए बस, घर कैसे तो चले, हमारी इनकम आज 2,00,000 से ऊपर है और हमने कार भी अचीव कर ली। इसके वजह से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। और अगर मैं इंजीनियरिंग के बाद बिजनेस के बारे में या जॉब के बारे में सोचूं भी, तो मुझे जॉब मिलेगी पर वहाँ पे मेरे ऊपर बॉस रहेगा जो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे एक लंच और दो पंच की ज़िंदगी काटनी पड़ती। इससे अच्छा तो मैं बिजनेस में मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। जब मेरे फ्रेंड जॉब ढूंढने जाएंगे तब मैं डेफिनेटली अच्छी कर रही होगी प्रोग्रेस मेरी। थैंक यू सो मच, विश यू।